हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन की, जो कि एम कॉम के बच्चों का है। तो एम कॉम के बच्चे जिनका एडमिशन जनवरी 2022 में हुआ है, 1 जनवरी 2022 में हुआ है, उनके लिए कोर्सेज कम्प्लीटली चेंज्ड हैं। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोज में बताया हुआ है। तो उनके लिए जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना चाहते हैं, वो चाहें तो अभी एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। MCO 1, 4 और 5 जैसे सेकंड ईयर का एक पेपर है ये, जैसे इसका डेट्स है वैसा ही है, लेकिन सिर्फ MCO 21 जो कि एक नया कोर्स इंक्लूड किया गया है, इसको यहाँ पे आपको 1 अगस्त 2022 को आप इसका पेपर दे सकते हो। तो याद रखो, इग्नू फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये डेट शीट निकाली गई है। तो MCO 1 का पेपर 29 जुलाई, MCO 21 1st of August, MCO 4 10th of August और MCO 5 12th of August 2022 आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो। पर मेरा सजेशन होगा, MCU 21 का अभी तक कोई बुक रिलीज नहीं किया गया है इग्नू के द्वारा, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा वेट कर लो। MCU 22, 23, 24 और MCU 6 इसके असाइनमेंट्स एक साथ आ जाएं। आठों के आठों पेपर्स के असाइनमेंट्स आप एक साथ सबमिट कर देना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसको सबमिट करने के बाद प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हो ऑनलाइन, और फिर दिसंबर में जाकर के आप इसके एग्जाम जो है एक साथ आप दे देना। दैट विल बी मच बेटर, ठीक है? बट जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर जानकारी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एमसीओ जिनका एडमिशन एमकॉम फर्स्ट ईयर में 1/1/2022 को हुआ है, वो लोग चाहे तो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं जून 2022 का। अगर उनको लगता है कि उनका MCO 1 का पेपर MCO 4 और 5 रेडी है, तो वो एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे पास MCO 1, 4 और 5 के नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था। आपके लिए भी सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप 2-3 महीने में इसको प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हो, तो प्लीज एग्जाम को दे दो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ₹300 पर पेपर के हिसाब से मैं आपको चार्ज करूंगा। आप उसके बेसिस पे एग्जाम दे दो, और बाकी के जो दिसंबर के एग्जाम है MCO 21, 23, 24 और 26, ये आप डायरेक्टली इस साल के एंड में देना। मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। पर अगर आपको एक साथ सबके पेपर देने हैं, तो एक साल आप वेट कर लो। अभी आपके पास 5-6 महीने 7 महीने हैं। आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करा दूंगा। और दिसंबर के महीने में आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करने हैं, असाइनमेंट सबमिट करने, हालांकि आपको अक्टूबर के महीने में है, दिसंबर के महीने में आपको फाइनल एग्जाम देना होगा, ठीक है? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस वीडियो, आप मुझे कॉन्टेक्ट करो। हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 8101065300 पे। तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उन सबको बताया। और मैं चाहूंगा कि आप कंफ्यूजन मत रखें अपने दिमाग में। प्रीवियस एमकॉम का जो सब्जेक्ट था, उससे ये कम्प्लीटली चेंज है। नए नए सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में ला दिया गया है, और 2-3 नए सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली मतलब डिफरेंट है, ठीक है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर ट्यूशन करना चाहते हो, क्लासेस आप हमारे पास से करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस की फी जो है ₹500 पर मंथ के हिसाब से रखी गई है, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स, अगर आपको सिर्फ डिफरेंट सिर्फ नोट्स आपको चाहिए, आप क्लासेस नहीं करना चाहते, वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको ₹300 पर मंथ के हिसाब से आपको सॉरी पर पेपर के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, विच विल बी अराउंड 2400, ठीक है? और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस इसके साथ में करते हो, तो फिर उसके लिए सिर्फ आपको ₹500 पर महीने पेमेंट करना है। उसमें नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगी, क्लासेस हफ्ते में 2 बार होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। 2 बार इन अ वीक बहुत है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो ये हमारा शेड्यूल है, जो भी जिनका भी एग्जाम है जून के महीने में एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, तो ये उनके लिए शेड्यूल है। अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, हमें मेल करो, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली हमसे वहां पे जुड़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू।